ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मीठा बचन प्यार दिलवावे, कड़वा बचन समाज भगावे। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस राशि के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं मिथुन राशि के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। मिथुन राशि वालों का अगस्त का महीना कैसा जाएगा, साथ ही साथ इनके जीवन में क्या क्या सुधार करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए। मिथुन राशि के लिए अगस्त का महीना बड़ा उत्साहवर्धक है, लेकिन चूंकि महीने के शुरुआत में परिवार में किसी बात पे छोटा मोटा मामूली विवाद हो सकता है, उसको आप टालने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल विवाद में ना पड़ने की। जब बहुत ही आवश्यक हो तो ज़रूर आप बातचीत कीजिए, लेकिन जहाँ तक है इसको आप 15 तारीख तक यानी कि आधे महीने तक दूर कीजिए। उसके बाद फिर आप जो भी बातचीत घर में है, पारिवारिक मैटर है, वो आप करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगा। हाँ, साथ ही ये ध्यान रखिए कि अगर आप व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में हैं तो आप पूरे दम लगा के अपने काम पे समय का पाबंद बनिए। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लाने वाला है। कारण क्या है कि मंगल राहु आपके लाभ घर में बैठा हुआ है, जो आपकी मेहनत की परीक्षा ले रहा है। आप थोड़ा मेहनत करेंगे, ज़्यादा लाभ मिलेगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी आप वाणी पर नियंत्रण रखिए, किसी को भी कड़वा बोलने का प्रयास न कीजिए या किसी का आप बेइज्जती करने की कोशिश कदापि ना करें। वैसे तो ये समय आपके लिए धन से संबंधित अच्छा है। आपके विशेषकर संतान के लिए देखा जाए तो वहाँ से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपके जीवन साथी भी आपको अच्छा सहयोग दे रहे हैं और ये महीना आपके लिए बहुत प्रेरणादायक है। करें उसमें बिना निसंकोच झिझक काम करते रहिए, सफलता आपको ऑटोमेटिक अपने आप मिलता रहेगा। हाँ, ध्यान जरूर ये रहिए कि अगर आप दान करना चाहते हैं तो इस महीने में छोटी कन्याओं को आप कोई भी कपड़ा, वस्त्र, मिठाई इत्यादि दान कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। अधिकारियों से भी आपको अच्छा सहयोग है, वो आपको मनचाहा है मदद करेंगे और आपके रुके हुए कार्य बनेगा। भाइयों से थोड़ा इस महीने के 15 के बाद आप अपने भाई बहनों से थोड़े विवाद से बचने का कोशिश करें, क्योंकि ये महीने में आप जितना विवाद से बचेंगे उतना लाभ कमाएंगे, लाभ भी कमाएंगे और समाज में आपका सम्मान भी अच्छा बढ़ेगा। इसलिए वैसे तो आप झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा मामूली विवाद आ जाता है जो टाला नहीं जा सकता है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उस मामले को बड़ी आसानी से टाल के और अपने कार्य में लगे रहिए। नौकरी करते हैं तो आप समझिए कि आपके प्रमोशन का योग बन रहा है, या आप नौकरी के लिए कहीं कोशिश कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने का पूरा योग बन रहा है। मित्रों, अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको विशेष जानकारी दे सकते हैं।